फ्रेंड्स, आज हम फिश फिश की ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए, हमने फिश लिया है, ये बोम्बल फिश है। आज हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमें हरा मसाला, ये देखिए, दो हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा धनिया, 5 से 6 लहसुन, 5 से 6 करी पत्ता और 1 टमाटो। अभी देखिए, अब हम ये टमाटो और जो हमने मसाला लिया है, लहसुन, कोथमीर, हरी मिर्च, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये ग्राइंड कर लिया है, एक डोंगा। ये देखिए, पैन गरम कर लिया है, हमने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। अब हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया है, वो मसाला डालेंगे। मिक्स कर ले अच्छी तरह से। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच। मिक्स कर ले मसाले को अच्छी तरह। ये देखिए, हमने मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम इस मसाले को तेल छूटे तक भून लेंगे। देखिए, अभी हमारा ये तेल कितनी अच्छी तरह से छूट रहा है। अब हम इसमें फिश डालेंगे और फिश के साथ आप इसमें नमक डालें, ताकि फिश में भी नमक अच्छी तरह से मिल जाए। और मिक्स कर ले, हल्के हाथ से मिक्स करें, नहीं तो ये फिश बहुत ही ये होती है, नाजुक होती है, नरम होती है बहुत, वो फिश टूट जाएगी। जैसे हल्के हाथ से मिक्स करें। ये देखिए, अब ये फिश को हमने तेल में भून लिया है। अब हम अपने ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। हमने आधा ग्लास पानी डाला है। मिक्स कर ले आप उसे, बहुत ही धीरे हाथ से मिक्स करें। अब हम इसे कम से कम 5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए, अब ये पक चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और सर्व करेंगे। हमारी फिश भी अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, हमने इसे सर्व कर लिया है। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।